ये बस से उतरते ही अराइवल पे ये देख सकते हैं देवा शरीफ की पेंटिंग्स बनी है। एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। ट्रैवल क्लब लॉन्ज में नाश्ता भी हो गया है काफ़ी सारा। मेरे नियो कार्ड में कार्ड एक्सेस कार्ड में ट्रैवल लॉन्ज एक्सेस था, एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस। सिर्फ 2 रुपये में पेट भर के नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया। चेक इन वगैरह हो चुका है, अब चलते हैं बोर्डिंग करने के लिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से। फ्लाइट में 8:10 अभी हुआ है, 7:59 इन लखनऊ एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम लोग अराइवल की तरफ जा रहे हैं अभी। अभी यहाँ से होटल में सारा सामान रखने के बाद में यहाँ से डायरेक्ट देवा निकल जाएंगे। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बस से उतरते ही अराइवल पे ये देख सकते हैं देवा शरीफ की पेंटिंग्स बनी है। एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मेट्रो की तरफ। कानपुर, नागपुर, आगपुर 200 मीटर की दूरी पे मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से सीधा अराइवल गेट से निकल के ही डायरेक्ट मेट्रो। चलो चारबाग रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन में। अभी मैंने लंच कर लिया यहाँ पे मुस्लिम मुसाफिर खाना में। अच्छा और सस्ता लंच, पेट भर के लंच हो गया है अभी। अब यहाँ से अभी निकलेंगे लखनऊ में बड़ी इमामबाड़ा, छोटी इमामबाड़ा और काफ़ी जगह ज़्यारत करने का, जो आप लोगों को भी ज़्यारत कराऊँगा मैं। सो स्टे ट्यून्ड। यह गाज़ी अब्बास अलमदार, अभी मैं पहुँच चुका हूँ गाज़ी अब्बास अलमदार के रोज़े पर। ये देख सकते हैं रोज़ा। मैं अंदर पे कैमरा लेके नहीं जाऊंगा, अंदर मैं हाजिरी दे करके मैं आता हूँ। ये नक्श मुबारक है रोज़ा मौला गाज़ी अब्बास अलमदार का, मौला इमाम हुसैन के छोटे भाई मौला अली शेर खुदा छोटे बेटे का, जो मैदान करबला में अपने भाई पे कुर्बान हो गए अपने दोनों। ये अब हम आ चुके हैं बड़ी इमामबाड़ा पे, जो लखनऊ का सबसे फेमस जगह है। इमामबाड़ा परिसर में टिकटॉक आदि कैमरा, वीडियो कैमरा, डिजिटल ये चला करना पसंद है। एक इमामबाड़े में सर ढक कर जाए, दूध पानी का कूड़ा फैलाना सख्त मना है। टिका हुआ टिकट वापस नहीं होगा। बड़ा इमामबाड़ा में आने वाले पर्यटक जरा ध्यान दें। अभी मैं आ चुका हूँ बड़ी इमामबाड़ा में। इस इमामबाड़ा की ऊंची ऊंची छतें वगैरह आप देख सकते हैं और बीच में एक भी पिलर आपको नहीं दिखेगा। ये जगह नवाब सफ़ुद्दौला का हुआ करता था एक, मैं तो उन्होंने इस जगह को मौला इमाम हुसैन के नाम पे
छोड़ दिया और यहाँ पे इमामबाड़ा बना दिया। इसके ऊपर में भूलभुलैया भी है, जो कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि नीचे में इमामबाड़ा है तो दिल इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं ऊपर में भूलभुलैया में जाऊँ। अभी हम लोग प्रॉपर इमामबाड़ा के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं पूरा, ये देख सकते हैं इन दोनों दीवारों के बीच में कोई पिलर नहीं है, पूरा इमामबाड़ा है यहाँ पे। आज सैटरडे भी है और काफ़ी भीड़ भी है आज यहाँ पे। ये दो मकबरा है यहाँ पे, नवाब असाफुद्दौला और उनकी बेगम का। ये कुरान शरीफ नकल आप देख सकते हैं, जो कि मौला अली शरीफ खुदा के हाथों से उन्होंने लिखा था। ये चुका हूँ छोटी इमामबाड़ा में। ये भी नवाब असाफुद्दौला का छोटा महल था जो मौला इमाम हुसैन को इन्होंने पेश कर दी, और ये जगह छोटी इमामबाड़ा बन चुका है अब। पर छोटी इमामबाड़ा में भीड़ थोड़ी कम है, यहाँ पे बड़े इमामबाड़ा में काफ़ी भीड़ थी। लोग इन सब जगहों को कमर्शियल बना चुके हैं, यहाँ पर जिनको देखो लोग पैसे लूटने के लिए आ जाते हैं। कि नहीं, वो गाइड कंपलसरी तो क्या क्या पता नहीं यार। मुहर्रम मौला इमाम हुसैन की याद में इनको सजाया जाता है। हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कदम मुबारक का निशान भी है। इनके दो मकबरा है यहाँ पे, नवाब और उनकी बेगम का। ये बादशाह